नहीं आप परेशान मत होइए, करेंगे आप परेशान मत होइए अम्मा, आप परेशान मत होइए, करेंगे इंतजाम। अच्छा ठीक है, आप परेशान मत होइए, करेंगे अपन करेंगे। अभी आप एक काम करो, जो लोग मैं आपको 10,000 रुपए दे के जाता हूँ, आप जो है इनका इलाज वगैरह की दवाई वगैरह का तो आप कर लो, आप फिर 2-4 दिन में मैं आपका इंतजाम कर दूँ, ठीक है। मैं मजलिस का आदमी, असदुद्दीन अवैसी साहब का कहना यह है कि गरीब जरूरतमंद आदमी के घर तक जाके उसकी मदद करो, ये पूरे वच है हम लोगों का। मकसद जितने ठहरे ना, जमातियों का मकसद सिर्फ यही है, जरूरतमंद आदमी के घर तक जाना। वो तमाशा करके सोशल मीडिया पे हंगामा करना हमारी आदत नहीं है। आप बिल्कुल बिल्कुल दुआ करो उनके वास्ते, आप दुआ करिए जरूरतमंद के घर तक। इनको मैं बोल के जा रहा हूँ आपके सामने, आपका इलाज भी मुकम्मल करवाएंगे, आप फिक्र मत करो। बाबा हयात ठीक है, आप लोग परेशान मत हो अम्मा, आप लोग इलाज करो, हॉस्पिटल को जाओ, हॉस्पिटल को जाओ, आप लोग इलाज करो, जो इलाज का खर्चा होता मैं इंतजाम। ऑक्सीजन का तो सिलेंडर का इंतजाम कर देंगे, वो आपके पास है दे दे सकते हैं, लेकिन वो कितने दिन तक करते हैं आपको हॉस्पिटल लेके जाने पड़ेंगे उनको। मैंने आप परेशान मत होइए, करेंगे आप परेशान मत होइए अम्मा, आप परेशान मत होइए, करेंगे इंतजाम। अच्छा ठीक है, आप परेशान मत होइए, करेंगे अपन करेंगे। अभी आप एक काम करो, फिर देखो तो मैं आपको 10,000 रुपए दे के जाता हूँ, आप जो है इनका इलाज वगैरह की दवाई वगैरह का तो आप कर लो, आप फिर 2-4 दिन में मैं आपका इंतजाम कर दूँ, ठीक है। हेलो, ये 10,000 रुपए है, आप ये 10,000 रुपए रखो आपके पास, मैं आपका फिर कुछ करता हूँ, इनको हॉस्पिटल को लेके जाओ, बोलो एडमिट करो, आप जो भी इलाज का खर्चा है मैं करवाता हूँ, आप फिक्र मत करो उसका। ये 10,000 रुपए आप अपने पास रखिए, पहले अम्मा की तरह खिलाई नहीं, आप जाके अभी 2 गोलियां मंगा लो, 4 दिन की गोलियां मंगा के, पहले आप 1800 रुपए